सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। ऐसा दिन कभी मत लाना प्रभु कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे हमेशा इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाम समझता है। आज का पंचांग 16 सितंबर 2021 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि, सुबह 9:36 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र सुबह 4:09 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 1:52 से 3:23 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 57 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 10:53 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रात्रि 1:19 तक रहेंगे। इसके उपरांत कन्या राशि में प्रवेश करेंगी। वृषभ राशि 16 सितंबर 2021 दिन गुरुवार, वे अप्रत्याशित लाभ आपका इंतजार कर रहा है, जैसे कोई विरासत में मिला धन या भोजन का निमंत्रण इत्यादि। अगर स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं आपके मन में है तो आध्यात्मिक धार्मिक दर्शन लाभ देगा। आपको मिली हुई नई आजादी से आज आप बेहद उत्साहित रहेंगे। नए विचार और योजनाएं आपके विकास में सहायक हैं। पिछले कुछ दिनों से जीवन में आई निरस्ता को दूर करने के लिए एक यात्रा का भी योग बन रहा है। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ जाए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। इस समय भाग्य उन्नति के शुभ अवसर बन रहे हैं। जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ था या अटका हुआ था उसके पूरा होने का समय आ गया है। कुछ विरोधी हावी होंगे परंतु आपका अहित नहीं कर पाएंगी। जो जिम्मेदारी आपको निभानी है वह जिम्मेदारी आसान है, केवल आपके अंदर संयम कम होने के कारण आपको तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। काम को शांत रखकर वर्तमान से संबंधित बातों पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। जैसे कार्य अंजाम की तरफ पहुंचने लगेंगे आपको विश्वास और आनंद दोनों की प्राप्ति होगी। कार्य से संबंधित बनाई गई योजना की चर्चा फिलहाल किसी भी व्यक्ति के साथ ना करें। आपके आसपास के लोग किसी न किसी वजह से आपके प्रति थोड़ा जलन की भावना रखते हैं। सावधानियां, अपने क्रोध व आवेग को काबू में रखना अति आवश्यक है। कई बार जल्दबाजी व अति उत्साह में बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से पारिवारिक सुख शांति भी प्रभावित हो सकती है। संतान का जिद्दी व अड़ियर रवैया आपको चिंता में डाल सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद या गलतफहमी की स्थिति रह सकती है, पूरा ध्यान दें। अगर सफर करने का सोच रहे हैं तो उसमें गड़बड़ी की भी संभावना है। आत्मविश्लेषण और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए आज का समय उपयुक्त। अगर उत्साह में आकर कोई भी काम करने या निर्णय लेने से अधिक उत्साह में आकर कोई भी काम करने या निर्णय लेने से बचें। अपने इश्क का परिणाम देने के लिए भी आज तैयार रहें। इसके लिए अपने प्यार को कुछ उपहार दे या उसके लिए कुछ खास करना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। कार्य में आज आपको भरपूर सराहना मिलेगी। यह वक्त हर दुख या दोष को भूलकर अपने कौशल को विकसित करने का है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें क्योंकि यह आपके अच्छे कर्मों के लाभ उठाने के लिए एक शानदार चरण है। सावधानी से यात्रा करें क्योंकि सफर में गड़बड़ी की आशंका है। जीवन के इस पड़ाव से आप नए क्षितिज को देख सकते हैं। हो सकता है कि आज आपके नए विचार या योजनाएं सफल ना हो, लेकिन साहसी के जोखिम भरे कार्य आज आपके कार्ड्स में है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है और आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है।
अच्छा सोचने से अच्छा काम करना बेहतर है। बात करते हैं सेहत की। ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसी बीमारियां भी परेशान करेगी। नियमित रूप से मेडिकल चेकअप आदि करवाते रहें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को चने की दाल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।